नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई सुबह राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे से थोड़ी दूर मेगा हाईवे कापरेन व अड़ीला के बीच पेट्रोल पंप के समीप करीब 150 ट्रॉली भूसे के ढेर में लगी आग बार बार सुलगती रही। आग लगने के बाद दमकल भी मौके पर पहुंची और बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 4 घंटे से 6 बार बुझाने के बाद भी आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका। आग लगने से करीब 2 लाख रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। मेगा हाईवे कापरेन अड़ीला के बीच पेट्रोल पंप के समीप किरिया की झोंपड़िया निवासी बनवारी मीना के 150 ट्रॉली भूसे के ढेर में विद्युत लाइन के तारों में स्पार्किंग होने से और तार टूटकर गिरने से आग लग गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले सब्जी विक्रेता हड़ताल पर उतर आए हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में गुरुवार को भी दुकानें नहीं खोली हैं, साथ ही मांगे नहीं माने जाने तक आगे भी हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार बेंगू में काफी दिनों बाद 3 दिन पहले ही बाजार खुले थे। वहीं जहां पहले सब्जी विक्रेता बैठते हैं वहां से उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में नए स्थान पर बैठने से सब्जी विक्रेताओं ने इनकार कर दिया। बेंगू नगर के सब्जी विक्रेताओं ने अपनी मांगे नहीं मानने पर अनिश्चित हड़ताल की चेतावनी दी है। ऐसे में बेंगू नगर पालिका क्षेत्र के घरों में हरी सब्जी को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। जोधपुर के लोहावट में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। ग्रामीणों ने शव को नहर में तैरता देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में रामसागर में RD 117 पर एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को नहर में फेंकना मालूम पड़ता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन के कारण जहां एक और ज्वेलरी व्यवसाय को करारी चपत लगी है, वहीं इस उद्योग से जुड़े कारीगरों की हालत भी खराब है। मार्च में ही शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद हो गई थी, जिससे ज्वेलरी मेकिंग में लगे कामगारों से लेकर पूरे ज्वेलरी सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सराफा व्यवसायियों के अनुसार लॉकडाउन के दौर में उद्योगपुर के ज्वेलरी व्यवसाय को करीब 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं व्यवसाय से जुड़े कई बंगाली कारीगर घर जा चुके हैं, तो कई यहीं पर हैं, उन्हें के सामने रोजी रोटी का संकट है। राजस्थान के राजसमंद में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक कलयुगी बाबा ने एक महिला को इलाज के बहाने नशे की दवाई पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए दुष्कर्म के 2 आरोपियों में एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरगाह थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक आरोपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी कोरोना जांच करवाई है। वहीं आरोपियों के संपर्क में आए 5 पुलिसकर्मियों के भी सैंपल लेने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। झालावाड़ की भवानी मंडी में एक युवक पर तलवार से अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में अज्ञात युवकों ने हरीश कुमावत नामक युवक पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमला करने वाले आरोपी भी फरार हो गए हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। शव के मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि गुड़गांव के जंगल में एक महिला का संदिग्ध हालत में पेड़ पर शव लटकता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 जून से वे रेडियो के साथ दूरदर्शन से भी पढ़ाई कर सकेंगे। दूरदर्शन ने शिक्षा विभाग को न्यूनतम शुल्क के साथ स्लॉट आवंटित कर दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। रेडियो की तरह दूरदर्शन पर भी नियमित क्लास लगेगी। नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाने के लिए विभाग ने वीडियो कंटेंट लगभग तैयार कर लिया है। विभाग सभी कक्षाओं के हिसाब से समय सारणी बना रहा है। विभाग को इसके लिए रोजाना 195 मिनट मिलेंगे, जिससे 2 घंटे 9वीं से 11वीं और 75 मिनट 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।